नमस्कार, स्वागत है आपका सतीहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी में भगदड़ जारी, मंत्री धर्म सिंह सैनी और कई विधायकों ने पार्टी छोड़ा। योगी का गोरखपुर छोड़ना लगभग तय, अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में कांग्रेस की पहली सूची जारी, उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां को दिया टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी, किशोर उपाध्याय की केस को सभी पदों से किया गया छुट्टी। और पीएम सुरक्षा में चूक को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश, नड्डा पर बरसी एनसीपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और ये खबर जुड़ी हुई है जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और एक तरीके से इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, विनय शक्या, तमाम वो नाम हैं जो बड़े ओबीसी, जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो जिस तरीके से बीजेपी छोड़ रहे हैं, यहां तक कि अगर रिकॉर्ड आप देखें तो हर दिन एक योगी आदित्यनाथ का एक मंत्री रोज इस्तीफा दे रहा है। और उसी क्रम में आज जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में आयुष मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपने आवास को और सिक्योरिटी जो उनकी थी उसे भी वापस कर दिया है। सहारनपुर की नुक्कड़ सीट से वो उम्मीदवार थे और सैनी ने अब ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में वो अब शामिल हो जाएंगे। और उन्होंने अपने कथन में जो कहा है बात कि मेरी बात नहीं सुनी गई थी, संगठन के जो पदाधिकारी थे उनकी भी कोई बात नहीं सुनी गई, और 2019 में जब 140 विधायकों ने धरना दिया था तब उन सबको धमकी दी गई थी और तभी सबने ठान लिया था कि अब इसको इस जो जो ये जो हादसा हुआ है इसका अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और 2019 में अगर आपको ध्यान हो तो पहली बार ऐसा हुआ था कि अपनी ही सरकार के खिलाफ इतने सारे विधायक विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन इस तरीके से जो अब झड़ी लग रही है इस्तीफों की, ये बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में हर दिन एक मंत्री इस्तीफा देगा और उस मंत्री के साथ 2 या 3 विधायक रहेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी शुरुआत की है। उधर जब आज धर्म सिंह सैनी ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें ये कहा गया है कि 2022 में समावेशी सौहार्द की निश्चित जीत होगी और सामाजिक न्याय के योद्धा के आने से पार्टी को उत्साह मिला है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भगदड़ है इससे बीजेपी का मनोबल तो गिर ही रहा है, लेकिन साथ में जो छोटे जो पिछड़े वर्ग के जो ओबीसी और दलित नेता हैं वो पार्टी को इस बात के लिए चेत रहे हैं कि देख लीजिए आपने पिछड़े वर्ग और दलितों की जिस तरीके से उपेक्षा की है, अब ये जो तमाम बड़े ओबीसी के नेता हैं, दलित नेता हैं, वो अब बीजेपी की कतई सुनने वाले नहीं है। उन्होंने बीजेपी को देख लिया है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद जमकर सिर चढ़कर बोल रहा था और इसी वजह से दलित और जो ओबीसी नेता हैं उनकी उपेक्षा हुई और इसी के चलते ये सारे जो दल के जो नेता हैं वो छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में सारी उंगलियां उठती हैं योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने केवल ठाकुरों को क्यों बढ़ावा दिया और इतनी घृणा, इतनी नफरत ओबीसी, दलितों और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने रखी है। तो क्या ये ठाकुरवाद अब बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश चुनाव से ही जुड़ी हुई है। उधर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अभी पिछले 2 या 3 दिनों से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली हेडक्वार्टर्स में चल रही थी और योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय करने वाले और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने भी संबोधन किया, लंबा मंथन चला और अब लगभग ये तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से नहीं बल्कि अयोध्या से लड़ेंगे, यानी कि राम मंदिर के नाम पर योगी जी को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा। राजनाथ सिंह 2002 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, कॉन्टेस्ट किया था, उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कि चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी। बीजेपी अभी भी राम मंदिर के नाम पर लड़ेगी, राम के नाम पर लड़ेगी। और दूसरा जो एक नजरिया है इसको देखने का कि बीजेपी एक सेफ
सेफ सीट का विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से ओबीसी घेराबंदी के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हुई है, उससे ओबीसी वोटर तो नाराज है ही, लेकिन अब हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट कैसे रखा जाए, इसलिए अब राम का नाम लेकर राम मंदिर के नाम पर हिंदुत्व के एजेंडे को प्रबलता से इसको रखा जाएगा और योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ाया जाएगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से दूर अयोध्या से लड़ाया जाएगा, मथुरा से वो नहीं लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो रणनीति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे विकास कार्यों की और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ अग्रेसिव हिंदुत्व की बात करेंगे, और इस सबको मिला जुला इसका पूरी एक रणनीति होगी। और लेकिन योगी आदित्यनाथ की इसमें इस समय जिस तरीके से किरकिरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ा और ओबीसी वर्ग उनसे नाराज है, उससे बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है अयोध्या से भी ना जीत पाए, क्योंकि इतना सारा रिबेलियन है, इतना ज़्यादा विरोध है योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद को लेकर कि हो सकता है कि वो अयोध्या से भी ना जीत पाए। तो बीजेपी ने एक विकल्प जरूर ढूंढा है, एक सेफ सीट अयोध्या से ढूंढी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत हैं। अयोध्या से भले योगी आदित्यनाथ को लड़ाया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य अधर में है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत नहीं मिलने वाला है, ये बीजेपी शायद खुद भी जानती है। और जिस तरीके से नेताओं की भगदड़ इस समय यूपी में मची हुई है, उससे ये देखना है कि बीजेपी कोई सबक सीखती है या नहीं सीखती, अपने आने वाले दिनों में अपने नैरेटिव को बदलती है या नहीं बदलती। लेकिन जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, उसने ये कह दिया है कि अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, वो भी योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद के मंत्र से। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कांग्रेस की। आज सारी जितने भी राजनीतिक दल हैं, यूपी के चुनाव ने में सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है और उसमें एक बहुत ही रोचक नाम सामने आया है, वो है उन्नाव रेप पीड़िता की माँ आशा सिंह का। और 125 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, जिसमें कि 50 उम्मीदवार ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। और प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि जिस सत्ता के दम पर उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को चोट पहुंचाई गई, उसी सत्ता को वो हासिल करे और कांग्रेस हमेशा उनके साथ है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है, एक मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग कांग्रेस ने जरूर की है, जो कि बाकी राजनीतिक दल शायद नहीं कर सकते थे। कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए भी नहीं है, ना कुछ हासिल करने के लिए है, इसलिए ये मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग करके एक जो नैतिक जीत है कांग्रेस, वो हासिल करना चाह रही है कि देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर जो कि रेप अक्यूज थे उस उन्नाव रेप पीड़िता में, बीजेपी के लीडर थे, तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और एक नैतिक आधार पर जो एक लड़ाई कांग्रेस सांकेतिक रूप से जो उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, क्योंकि ये बात कांग्रेस को भी पता है कि उसकी प्रेजेंस नहीं है और कांग्रेस यूपी में नहीं जीत सकती, तो उन्होंने एक मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग की है और एक नैतिक बल उसको मिलेगा जिस तरीके के टिकट का बंटवारा हो रहा है और महिलाओं का कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस नारे को जिंदा रखते हुए प्रियंका गांधी ने उन्नाव रेप की पीड़िता की जो मां है आशा सिंह, उनको टिकट दिया है। अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया था, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी। यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस इस बात का संदेश लोगों को यूपी में दे रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के राज में आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं थी और जिस पार्टी ने आपकी बेटी के साथ अन्याय किया है, अब उसको न्याय मिल रहा है और वो अब सत्ता में रहकर लोगों को बताएगी। तो एक मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग है, एक नैतिक जीत कांग्रेस को इससे हासिल हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नैतिक जीत तो कांग्रेस हासिल कर लेगी, लेकिन कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाएगी यूपी में, ये एक बहुत कठिन प्रश्न कांग्रेस के सामने है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है, तो उस मनोबल को बढ़ाने का काम ये इस तरीके की जो घोषणा है पार्टी कैंडिडेट्स की, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक वुमेन्स नैरेटिव प्रियंका गांधी ने क्रिएट करने की कोशिश किया है और कहा है कि देखिए, 40% हम टिकट्स अपनी महिलाओं को देंगे, जो कि किसी कोई पार्टी नहीं करती है। तो एक
अच्छी शुरुआत प्रियंका गांधी ने जरूर की है, लेकिन पार्टी को जिंदा करने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए क्या ये काफी होगा? ये एक बड़ा प्रश्न कांग्रेस के सामने है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनकी ओर से एक पत्र जारी किया गया है और उसमें ये लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में किशोर उपाध्याय शामिल थे और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जल्द वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ वो अपना तालमेल बढ़ा रहे थे और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो लंबित रहेगी। और किशोर उपाध्याय के बहाने पार्टी के जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने बाकी कार्यकर्ताओं को एक कड़ा संदेश दिया है कि किसी भी तरह की गुटबाजी इस समय पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। किशोर उपाध्याय के बारे में कहा जाता है कि वो देर रात बीजेपी के जो मंत्री हैं अजय कुमार, उनके साथ वो मिलते थे। उसके पहले उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मीटिंग करने की कोशिश की, तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे और ये बात कांग्रेस आलाकमान को स्वीकार नहीं थी। हालांकि जो गणेश गोडियाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि वह स्थिति को स्पष्ट करते हुए पुनः पार्टी का विश्वास हासिल करेंगे किशोर उपाध्याय। तो उनको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है गणेश गोडियाल को, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है, किशोर उपाध्याय, उधर गणेश गोडियाल, फिर हरीश रावत के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस समय टॉलेस्ट लीडर है कांग्रेस में, तो क्या वो इस गुटबाजी को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड का जो पैटर्न है कि 5 साल बीजेपी की सरकार होती है, 5 साल कांग्रेस की होती है, तो देखना ये होगा कि इस बार पुष्कर सिंह धामी क्या बीजेपी को वापस सत्ता में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, और क्या कांग्रेस अपनी गुटबाजी को ओवरकम करके और एकजुटता का प्रमाण दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। अगर दे पाती है तो, अगर हिस्टोरिकल पैटर्न को देखें, तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। लेकिन फिलहाल पार्टी ने एक कड़ा संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी उम्मीदवार किसी भी गुटबाजी में इंडल्ज करेगा तो उसको पार्टी से बाहर रखा जाएगा, पार्टी से निष्कासित रखा जाएगा और आलाकमान उस केस में कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूं। अब आखिरी खबर में बात करते हैं पीएम सुरक्षा में चूक मामले में। जिस तरीके से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर की अपनी रैली को रद्द कर दिया था क्योंकि उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने नजर आया था। जब उनको फिरोजपुर बाय रोड जाना था तो उस समय बहुत सारे किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लग गई, पंजाब पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाई गई कि पंजाब पुलिस को जानकारी थी, पंजाब पुलिस ने षड्यंत्र किया, पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान से खिलवाड़ किया। और उधर पंजाब की जो सरकार थी वो एसपीजी पर उंगलियां उठा रही थी कि आखिर एसपीजी क्या कर रही थी, जब 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर क्यों रुकना पड़ा और एसपीजी ने ये तुरंत निर्णय क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं पहले से पंजाब की सरकार को बताया गया। इस पर दोनों गृह मंत्रालय और पंजाब की सरकार ने अपनी अपनी इंक्वायरीज और कमिटीज का गठन किया। इन दोनों कमिटीज को निलंबित किया गया और लंबित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, कल जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, तो जेपी नड्डा ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खिलवाड़ किया गया और उनकी जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की पंजाब सरकार ने। तो इसको लेकर आज एनसीपी के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और प्रवक्ता नवाब मलिक एक बार फिर से जेपी नड्डा पर बरसे हैं कि जेपी नड्डा को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जिस समय की सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है और इस तरीके की राजनीति करना गलत बात है। इसके पहले शरद पवार ने भी यही बात कही थी और कहा था कि इस तरीके से उंगली उठाना, वो भी उस मामले पर जिस पर की इंक्वायरी अभी चल रही है, जांच अभी चल रही है, तो आखिर इसको चुनावी नजरिए से भुनाने की बीजेपी पार्टी क्यों कोशिश कर रही है। तो बीजेपी पर ये बार बार ये आरोप लगते हैं कि इसको चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिंपथी बटोरी जा रही है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिंपथी होगी तो पंजाब का वोटर उनको वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। तो इसी बात को लेकर नवाब मलिक ने एक कड़ा एतराज जताया है। लेकिन पीएम सुरक्षा का मुद्दा एक नेशनल मुद्दा है, किसी राज्य का विशेष विषय नहीं है। लेकिन यहां पर यह तूल पकड़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर पंजाब में जाएंगे और वहां पर
बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद बार बार इसको लेकर पंजाब की पुलिस पर, पंजाब की सरकार पर उंगलियां उठाते हैं, और जिसको लेकर जेपी नड्डा ने भी ये बात कही थी। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी में क्या इतना संयम, इतनी जो एक मैनरिज्म्स होते हैं वो है या नहीं है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी द्वारा, तो क्या हम उस चीज का इंतजार नहीं कर सकते और चुनावी पॉइंट्स भुनाने के लिए बीजेपी इस तरीके की ओछी राजनीति कर रही है। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना कोई पार्टी नहीं जानती है, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की कमेटी बनाती है उसकी गरिमा का भी ऐसा लग रहा है कि इन पार्टीज को ध्यान नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता? क्या सुप्रीम कोर्ट की कमिटीज एग्जिस्ट नहीं करती? क्या बीजेपी उनको नहीं मानती? ये सारे बड़े सवाल सबके सामने खड़े हैं। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।